प्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। गत कई दिनों से तुमसर तहसील के ग्रामीण राशन दुकानों में मिलने वाला राशन, जिसमें खास तौर पर गेहूं जो लाभार्थियों को मिल रहा है, वह निकृष्ट होने की जानकारी ज्ञात हुई है। कोरोना काल में कुछ महाशासन की ओर से फ्री में मिलने वाला तथा राशन कार्ड पर मिलने वाला गेहूं की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस बारे में जानकारी लेने पर तुमसर की फूड इंस्पेक्टर शालिनी पारस्कर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जानकारी नायब तहसीलदार अशोक पाटिल, जो अभी खाद्य पुरवठा निरीक्षक के रूप में पदभार संभाले हुए है, नायब तहसीलदार अशोक पाटिल से प्रतिक्रिया लेने पर उन्होंने बताया कि हम सभी राशन दुकानों का दौरा करके जांच करेंगे और इसकी जानकारी FCI तथा जिला पुरवठा अधिकारी को देंगे। इसके बारे में गोडाउन कीपर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया, जिला पुरवठा अधिकारी के पास करने के बाद हम खाद्य सामग्री को गोडाउन में अनलोड करते हैं। जिला पुरवठा अधिकारी भंडारा से संपर्क करने पर अनिल बंसोड़ ने कहा कि यदि राशन दुकानों में निकृष्ट दर्जे का राशन आता है तो हम उस बोरे को वापस अपने गोडाउन में लेंगे। लाभार्थियों ने मिल रहे निकृष्ट राशन की जाँच करने की मांग की है। धान्य निरीक्षक म्हणून या बाबतीत नाही का त्यांची चौकशी करण्यात येईल आणि दुकानात भेट देण्यात येईल, कशा प्रकारचा गहू आहे आणि त्याप्रमाणे धान्य खराब असेल आणि निर्देश देण्यात येईल सर्व दुकानदारांना। पहिले आपल्या तालुक्यात हे असा असा प्रकारचा आहे का, असा प्रकारचा असेल तर आम्ही त्यांना धान्याच्या बाबतीत थांबवण्यात यावे, विक्री करण्यात येऊ नये, म्हणजे राशन दुकानदारांना देण्यात येऊ नये असं आम्ही त्यांना निर्देश देऊ आणि चौकशी करण्यात येईल। हर एक म्हणजे काही दुकानात राशन दुकानात जाऊन चौकशी करण्यात येईल, गहू चेक करण्यात येईल, सर्व चेक करण्यात येईल, गहू आणि तांदूळ आणि नंतर त्याच्यानंतर मग ते त्यानंतर मग कारवाई करण्यात येईल। याच महिन्यात चार्ज असल्यामुळे मी काही गेलो नाही, आता मी असं माहीत झाला त्यामुळे नका मी आजच जाऊन चौकशी करून येतो, मी कशा प्रकारचा माल आहे का आहे, गहू कशा प्रकारचा आहे, तांदूळ कशा प्रकारचा आहे, ते त्या बाबतीत मग त्यांना मग त्याप्रमाणे खराब म्हणजे काही बरोबर नसेल देण्यालाही राशन दुकानदारांना राशन धारकांना तर ते त्यांना निर्देश देण्यात येईल, बाबा असा प्रकारचा असेल तर देण्यात येऊ नये असे निर्देश देण्यात येईल गुणगाव केपरला। जिम्मेदारी व्यक्ती जिम्मेदारी आता काय वरून आलेला आहे माल, आता जो पाहिल्याशिवाय आणि चौकशी केल्याशिवाय आणि दुकानात चेक केल्याशिवाय आणि गुणगावमध्ये गेल्याशिवाय काहीच करता येणार नाही, त्यानंतर मग कारवाई करण्यात येईल। BS क्राईम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।